काय रे रोका काय सुनना बाकी तो मला चेन्नई मला कॅन्सल करना पडतो क्या हुआ घटना पूरा बताइएगा सर हम लोग केस मिला था हम लोग को रिम्स के लिए पेशेंट लाने के लिए जा रहे थे तो जैसे ही हम लोग धनिर्मा चौक क्रॉस किए आगे आए जैसे तो प्रशासन हम गाड़ी रोकी और बोले कि सायरन क्यों बजा रहे हो तो हमने सर हम लोग को केस मिला गया है हम लोग पेशेंट लाने जा रहे हैं एकदम इमरजेंसी है तो बोल रहा है गाड़ी में तो पेशेंट नहीं है हमने सर अभी तो पेशेंट नहीं है लेकिन पेशेंट लाने जा रहे हैं इमरजेंसी है तो बोला खाली गाड़ी में सायरन नहीं बजाना है हमने सर आप मना कर रहे हैं हम लोगों को तो ट्रेनिंग में बताया गया है कि सायरन बजाना है क्योंकि इमरजेंसी है हम लोगों को किलोमीटर का हिसाब से दूरी तय करना टाइम के अनुसार दूरी तय करना पड़ता है टाइम पर पहुंचना पड़ता है सर क्योंकि पेशेंट को हम लोगों को रिसीव करना है और सही टाइम पर हम लोग को पहुँचाना पड़ता है सर इसीलिए तो प्रशासन बोला नहीं बजाना नहीं है सायरन और उसके बाद हम मेरा एक साथी है अमित भाई वो हमले सर का रिकॉर्डिंग लीजिए बहुत गलत गलत शब्द उपयोग किए गए तो जैसे ही मोबाइल रिकॉर्डिंग करने के लिए किया गया थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी हुआ तो मोबाइल छीन लिए और पूरा धमकी देने लगे मोबाइल वोबाइल छीन लिए कॉलर पकड़ा गया बोला कि ऐसा तुम लोग को जेल में डालेंगे और पब्लिक से पांच को केस बनाएंगे कि सरते रह जाओगे हाँ कल से सायरन नहीं बजाएगा यही सब सर बोला गया है आप बताइए कितने बजे घटना है ये सर 12 बजे का घटना है 12 बजे हम लोग रिम्स जा रहे थे पेशेंट को लाने के लिए अक्सर ऐसा होता है पहली बार हुआ सर 2 दिन हुआ है सर अक्सर होता है सर प्रशासन लोग सर अपना काम नहीं करते हैं और हम लोग अपना काम सही से करते हैं तो हम लोग को बाधा रोकते हैं सर कोई बड़ा अधिकारी भी था वो लोग के साथ हाँ सर एक बड़ा अधिकारी थे तो एक स्टार लगा हुआ था उनका और 4 उनके साथ साथी थे आप लोग कैसे निकले वहाँ से सर ये पब्लिक का सपोर्ट से हम लोग निकले सर और धमकी दिया जा रहा था कि चलो थाना में गाड़ी लगाते हैं तुम लोग ऐसा केस डाल के ठेलेंगे कि सड़ते रह जाओगे तो वो तो पब्लिक सपोर्ट किया बताइए सर प्रशासन सरकारी अभी उनको पता होना चाहिए कि 108 का मतलब क्या होता है यहाँ पब्लिक को पता चल गया लेकिन जो अधिकारी है जो सरकारी संस्था से जुड़े हैं उनको पता नहीं है 108 का मतलब क्या होता है कि कॉल आता है कॉल आने के बाद हम लोग निःशुल्क सेवा है कॉल आने के बाद हम लोग मरीज को उठाते हैं रिसीव करते हैं सर 24 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं भूखे प्यास कल परसों 27 तारीख के दिन हम लोग जब हीरापुर से गुजर रहे थे तो हीरापुर हटिया मोड़ के पास ट्रैफिक पुलिस ने 108 एम्बुलेंस को रोक के उनके साथ हाथापाई कर रहे थे और करीब गाड़ी को आधा घंटा से ज़्यादा तक रोक के रखा गया बताना चाहूँगा कि 108 एम्बुलेंस धनबाद में मुख्यमंत्री योजना के तहत निःशुल्क सेवा प्रदान कर रही है और वो लोग पेशेंट को रिसीव करने जा रहे थे तो फिर हम लोगों ने जब ट्रैफिक पुलिस से बात किया कि आप लोग क्यों इसको रोके हुए हैं तो बोलते हैं नहीं ये सायरन बजा के नहीं घूम सकता तो इसमें से पता चला कि पुलिस वालों ने अपनी ट्रैफिक पुलिस ने पूरी दबंगई अपनी दिखाई और एम्बुलेंस को अपने कार्य से रोका गया इसमें प्रावधान है कि एम्बुलेंस को अगर रास्ता नहीं दिया जाता है अगर कोई पब्लिक उसको रास्ता नहीं देती है तो उस पर 10,000 का जुर्माना होता है तो मैं चाहूँगा कि इस तरह ट्रैफिक पुलिस इस तरह से अगर दो दो एम्बुलेंस को कल परसों भी घटना घटा उससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस इस तरह से 108 एम्बुलेंस जो निःशुल्क सेवा दे रहा है उसको रोक के इस तरह से जो टॉर्चर कर रहे हैं इन लोगों को धमका रहे कि गाड़ी को थाना में ले जाकर लगा देंगे तुम लोग को उल्टा केस डाल के जेल में डाल देंगे इस तरह का घटना बहुत ही निंदनीय है प्रशासन के द्वारा इस तरह का घटना का बहुत ही निंदनीय है मैं इसका ये कर रहा हूँ और इस पे इस तरह कार्रवाई को इस तरह से पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि आगे इस तरह की कोई भी घटना को दोहराया नहीं जाए।